वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आई हूँ एक नया मॉल एक्सप्लोर करने, जो कि आज ही इसकी ओपनिंग हुई है, जिसका नाम है ओमैक्स मॉल। और ये होने वाला है चांदनी चौक दिल्ली में। वैसे तो चांदनी चौक फेमस है अपने पराठे वाली गली के लिए, स्ट्रीट फूड के लिए और शॉपिंग के लिए, पर यहाँ पर भी आपको शॉपिंग करने के लिए मौका मिलेगा और साथ ही साथ फूड भी इंजॉय कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर खुला है काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट, तो सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ, पूरा मॉल एक्सप्लोर करूँगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर आना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यहाँ की लोकेशन होने वाली है चांदनी चौक की, और उसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी चांदनी चौक होने वाला है। जैसे ही आप एग्जिट लेते हो ना, मेन रोड पर आते ही आपको दिख जाएगा ओमैक्स मॉल। उसकी टाइमिंग होने वाली है सुबह 10 बजे से रात के 11 बजे तक आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मॉल है। तो चलिए और बाकी अंदर चल के डिटेल लेते हैं। सो गाइस, देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा मॉल खुला है, जो कि है ओमैक्स मॉल। ये देखिए, और देख सकते हो ये सामने, और यहाँ पे है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन इसके पास में। ये देखो, मेट्रो से आते ही बाहर आप आओगे ना तो आपको ये मॉल दिख जाएगा। तो काफ़ी लोग विजिट कर रहे हैं इसमें। तो गाइस, ये यहाँ की मेन एंट्रेंस, और आप देख सकते हो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ओमैक्स, और ये है इनका शाही दरवाज़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओमैक्स चौक चांदनी चौक, तो मैं आगे से दिखा देती हूँ। तो अगर आप आते हो तो आपको यहाँ से एंट्री मिल जाएगी। काफ़ी लग्जरी सा मॉल बनाया हुआ है ये, बिल्कुल ये देखो। सो गाइस, यहाँ पे मेंशन है कि आपको कौन कौन से ब्रांड और फूड आउटलेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं दिखा देती हूँ। ये ज्वेल कोट, तो ये मिलने वाला है आपको फर्स्ट फ्लोर पे। और ये है ब्राइडल कोट, ये ब्रांड्स मिलेगी आपको, और ये मिलेगा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों पे मिलेगा। और यहाँ पर है कॉफ़ी वगैरह, ये मिलेगी आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर। ये है फूड कोर्ट, दावतपुर सिटी ऑफ फूड, सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे आपको सेकंड फ्लोर पे, ये दोनों सेकंड फ्लोर पे मिलेंगे। पन्ना पूरी सेकंड फ्लोर पर, ये लास्ट नीलनगर सेकंड फ्लोर। सो गाइस, ये यहाँ की पार्किंग एरिया, तो अभी मैं हूँ फोर्थ फ्लोर पे, तो आपको थर्ड और फोर्थ फ्लोर मिल जाएंगे पार्किंग के लिए, और आपको नीचे मिलेंगे जो नीचे से स्टार्ट है ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, वो भी आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। 3 नीचे हैं और 2 ऊपर मिलेंगे आपको। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर पर जो भी यहाँ पे ज्वेलरी शॉप्स वगैरह है ना, तो ये सारी अभी ओपनिंग सून है, तो 1-2 ओपन हुई हैं तो वो मैं दिखा दूँगी, पर ओपनिंग सून है सारी, ज़्यादातर ओपन नहीं हुई है। सो गाइस, फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे एक बोल, यहाँ पे लिखा है दिल्ली 6, और ये देखिए ओमैक्स चौक चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली का नया चौक, हैशटैग ओमैक्स। सो गाइस, यहाँ पे है इंडियाज़ फर्स्ट बिगेस्ट ज्वेल हब, तो यहाँ पे मिलने वाले आपको सारी ब्रांडेड ज्वेलरीज की स्टोर वगैरह। ये देखिए, यहाँ पे टाइटन आइकन, तो ये सारी ओपनिंग सोन है, अभी ओपन नहीं हुई है, तो ये पूरी लेन होने वाली है ज्वेलरी इसकी, ये देखिए। सो गाइस, अभी मैं आ चुकी हूँ ओमैक्स चौक चांदनी चौक के फूड कोर्ट में। ये फूड कोर्ट होने वाला है सेकंड फ्लोर पे, तो मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि आपको कितने आउटलेट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, और कौन से ओपन है और कौन से ओपनिंग सोन है, तो मैं सारे कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहना। सो गाइस, अब मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कौन कौन सी आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं। ये है पिज़्ज़ा हट, ये मिलेगा आपको ओपन, और सेकेंड है होम्स एंड किचन्स, और लास्ट में बर्गर किंग।
और यहाँ पे 3 ही आउटलेट्स हैं और सिटिंग देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। सो गाइस अभी मैंने बर्गर किंग से बर्गर ऑर्डर किया है और यहाँ पे ना ऑफर वगैरह चल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बर्गर किंग से ही खा लिया जाए। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या ऑफर चल रहा है और क्या। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो 2 क्रिस्पी चिकन बर्गर मिल रहे हैं आपको 99 में, तो भाई काफी डिस्काउंट मिल रहा है अभी। चिकन बर्गर एक के दाम में 2 बर्गर मिल रहे थे तो मैंने 2 मंगा लिए। और ये है क्या है, चॉकलेट शेक और कोल्ड ड्रिंक। तो ट्राई करते हैं भाई, पहली बार खाऊंगी मैं बर्गर किंग का चिकन बर्गर, तो चलिए खाते हैं। सो गाइस फर्स्ट डे ही देख सकते हो क्राउड आना स्टार्ट हो गया है, तो मतलब जिस जिसको पता चलता जा रहा है वो आते जा रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग आए हुए हैं फर्स्ट डे भी। तो गाइस इस फूड कोर्ट का नाम रखा गया है दावतपुर सिटी ऑफ फूड, तो ये काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट होने वाला है जिसमें एक साथ 2000 लोग से भी ज़्यादा डाइनिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी डाइनिंग। सो गाइस यहाँ का एम्बियंस देख सकते हो भाई कितना मस्त लगाया हुआ, पूरा झूमर वूमर लगाया हुआ है, लग ही नहीं रहा भाई फूड कोर्ट है ये, पूरा महल टाइप का लग रहा है। देखो यहाँ पे इधर ग्रीन है उधर ब्लू है, तो काफ़ी मस्त है। डाइन इन भी इतनी ज़्यादा होने वाली है, आधा दिल्ली यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दावतपुर में आपका स्वागत है, वेलकम टू दावतपुर। सो गाइस यहाँ का आर्किटेक्चर देख तो भाई कितना मस्त बनाया हुआ है, देखो पीछे ऊपर देखो और पीछे भी देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। बेस्ट व्यू मिलने वाला अगर आप यहाँ पे आते हो तो आज ही ओपन आया तो ज़रूर विजिट करना। और दिखाती हूँ मैं कौन कौन से आउटलेट्स यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और कौन कौन से अभी ओपनिंग सोन है, सब दिखाऊंगी मैं धीरे धीरे। तो काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है भाई ये, 2-3 घंटे तो लगने वाले हैं मुझे, ये देखिए पीछे भी है। तो ये काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, मज़ा तो आ रहा है भाई यहाँ पर घूमने में। सो गाइस अभी मैं जाने वाली हूँ नीलनगर की ओर, आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा आपको। और हल्दीराम भी ओपनिंग सून है, तो काफ़ी ब्रांड्स अभी ओपनिंग सून है, बाव मोमोज और सागर रत्ना ओपनिंग सून है, तो ये आने वाले टाइम में ओपन हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे देखो ग्रीन कलर के झूमर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और यहाँ पे देखो कितनी मस्त लाइटिंग लग रही है, झूमर वगैरह लगाए हैं। और ये देखो पेंटिंग भी है यहाँ पे, देखो वॉल पेंटिंग भी कितनी सुंदर लग रही है। तो भाई काफ़ी सुंदर फूड कोर्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे ना आपको हर जगह ना हर एरिया में ना अलग सिटिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो टेबल्स कैसी हैं, और मैंने पहले दिखाई थी वो अलग थी, तो सब अलग ही देखने के लिए मिलेगा हर जगह आपको। सो गाइस इसका नाम ओमैक्स चांदनी चौक इसलिए रखा गया है, और इसी बेस पे यहाँ पे आपको सारे आउटलेट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो भी चांदनी चौक में फेमस आउटलेट्स हैं ना तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और भाई काफ़ी अच्छा फूड कोर्ट है ये यहाँ पे, अगर आप आते हो तो ज़रूर ट्राई करना, तो काफ़ी बड़ा भी है, दिल्ली में इतना बड़ा कहीं भी नहीं है, चाहे तो आप ट्राई कर लेना कहीं भी। सो गाइस अब मैं दिखाने वाली हूँ यहाँ की लिफ्ट, तो आपको ये लिफ्ट लगेगी नहीं अगर आप यहाँ पे आओगे तो। ये देखिए ये है पूरी लिफ्ट, और आप यहाँ का आर्किटेक्चर देख सकते हो भाई पुराने ज़माने के टाइप का बनाया हुआ है पूरा। ये देखिए जैसे पुराने किले वगैरह होते थे ना, उन ईंटों का यूज़ किया गया है यहाँ पे देखिए, और ऊपर दरवाजे देख सकते हो, खिड़की वगैरह भी सेम ऐसे ही बनाया हुआ है, तो मतलब काफ़ी यूनिक बनाया हुआ है हर चीज़ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आते हो तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो आपको अलग लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिलेगी, तो हर जगह आपको डिफरेंट लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, और ये भी आपको लाइटिंग देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। और अब मैं दिखा देती हूँ भाई आज ही यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, देखिए पूजा वगैरह आज ही की गई है यहाँ पे,
दावतपुर चांदनी चौक में आपका स्वागत है। सो गाइस यहाँ पे हर जगह का अलग अलग नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे है लाल बाग, तो आपको रेड रेड देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। तो दिखाती हूँ मैं आपको खाने के लिए क्या मिलता है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अलग अलग तरह के दरवाजे खिड़की एक साथ लगाए हुए हैं, और ये पूरा बनाया हुआ है फायर एग्ज़िट। कितना सुंदर लग रहा है। सारे यहाँ पे पुराने आइटम का यूज़ किया गया है। जो भी आपका आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा ना, तो पुराने ज़माने की चीज़ें देखने के लिए मिलेगी आपको ज़्यादातर। सो गाइस लाल बाग में आपको देखने के लिए मिलेंगे ये सारे आउटलेट्स, मस्का, शिकागो पिज़्ज़ा, वेजले, ज्ञानीस, टनले कबाबी, KFC वगैरह। ये देखिए यहाँ पे आपको ये सारे आउटलेट्स देखने के लिए मिलेंगे। और ये यहाँ की सीटिंग, तो देख सकते हो यहाँ की सीटिंग अलग है, तो सब जगह की आपको सीटिंग अलग मिलेगी। सो गाइस यहाँ पे वेजले एंड शिकागो पिज़्ज़ा कमिंग सून है, और आपको ओपन मिल जाएगा KFC वगैरह। और साथ में देख सकते हो वो है मस्का, वो भी ओपनिंग सून है। तो काफ़ी आउटलेट्स अभी यहाँ पे ओपनिंग सून है। देखो सामने देख सकते हो चाइनीज़ वॉक भी ओपनिंग सून है, और जो आपको ओपन मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे KFC। सो गाइस अभी मेरे पीछे देख सकते हो पूरा खाली पड़ा है ये फूड कोर्ट, क्योंकि ये आज ही ओपन हुआ है, तो इसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखें यहाँ पे आ रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, दिल्ली वालों के साथ जो भी चांदनी चौक के आसपास रहते हो और चांदनी चौक घूमने आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार लग रहा है झूमर, काफ़ी बड़ा भी है ये, और काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू लग रहा है भाई यहाँ का। न्यूली ओपन हुआ है तो न्यू सब देखने के लिए मिल रहा है ना, तो वही आँखों को सुकून मिल रहा है। सो गाइस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आपको वेलकम टू इतिहास गली टूवर्ड सुनहरी नगरी। तो यहाँ से आप जा सकते हो, यहाँ पे भी आपको फूड एरिया मिल जाएगा, जहाँ मिलेंगे आपको चाट्स वगैरह और कैफ़े वगैरह। सो गाइस अगर आप चांदनी चौक के फेमस पराठे एंड कचौड़ी एंड चाट ट्राई करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। आपको एक ही रूफ के अंदर सारे आउटलेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको जगह जगह जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह आपको सारे आउटलेट देखने के लिए मिल जाएंगे। और मैं दिखा देती हूँ आपको यहाँ पे कौन कौन से आउटलेट देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको चांदनी चौक में मिलते थे। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी KDH चाट चांदनी चौक, जंग बहादुर कचौड़ी वाला, और यहाँ पे है पंडित गया प्रसाद पराठे वाले। तो आप यहाँ पे ये सारे होने वाले हैं ओपनिंग सून, और जो ओपन है वो दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे है कैफ़े चेन्नई, तो यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। एक कैफ़े इधर की साइड ओपन है और काफ़ी ये बन रहे हैं अभी। सो गाइस यहाँ का एम्बियंस देख सकते हो, तो आपको लगेगा नहीं अभी फूड कोर्ट है। देखिए ऐसा लग रहा है किसी होटल वगैरह का व्यू है ये देखिए, तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है ये, पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, और यहाँ पे है एक स्टॉल शिकारा लवली चुस्की, तो आप यहाँ पे चुस्की खा सकते हो। सो गाइस ये था ओमैक्स चांदनी चौक मॉल का फुल टूर, और मैंने इस वीडियो में कवर किया ज़्यादातर यहाँ का फूड कोर्ट, क्योंकि ये फूड कोर्ट आज ही ओपन होता है। तो अगर आप आसपास रहते हो तो यहाँ का फूड ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी आउटलेट्स बाकी मॉल से अलग मिलेंगे आपको, पराठे वगैरह। तो अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।